अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फरदान कुछ तो सोचो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। घर की बहू अगर घर में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा? अपनी बेटी के बारे में सोचो, बेटी देख रही है सब बेटा, माँ देख रही है सब। मान जा बेटा, मान जा, तुम्हें अपनी माँ की कसम, मान जाओ मेरा बेटा। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय सिया राम। बेटा केतकी, तुम्हें तो पता है कि वरदान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर चला भी जाता है। बेटा केतकी, तुम एक काम करो, तुम्हें ना आज वरदान की पसंद का खाना बनाओ। तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मुझे पूरा यकीन है वरदान मान जाएगा। तो अच्छी आ रही, देखना ये सब खा के वरदान जी का गुस्सा छुमंतर हो जाएगा। अरे इसका ढक्कन किधर है? ये क्या? ये तो वो ही मिठाई है जो सुषमा दीदी ने दादी को खिलाई थी। तो शुगर फ्री भी नहीं है। केतकी, खाना बन गया? माँ परेशान क्यों लग रही हो तुम? हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। सुषमा, सुषमा, इस घर में सब चिल्ला कर बात क्यों करते हैं? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? तुमने कहा था कि मिठाई शुगर फ्री है, पर ये तो नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अम्मा जी के लिए मिठाई जहर है। वो तो अच्छा हुआ कि केतकी ने हमें बता दी, पर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? सुषमा, हमसे क्या पूछ रही है? अपने लाडले दामाद से पूछिए ना, वो ही लेकर आई थी मिठाई। किसी बड़े घर के पढ़े लिखे आदमी से शादी कराई होती ना हमारी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। हम अकेले क्यों भुगते? सभी भुगतेंगे। केतकी, तुमने आज जितनी इज्जत उतारी है ना हमारी,
इससे डबल हम तुम्हारी उतारेंगे। और इस घर से तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी ना की ना, तो हमारा नाम भी सुषमा नहीं। खैर, हम जिस काम से आए थे वो तो भूल ही गए। खाना तैयार हो गया? जी वाह, बस अभी लगाती हूँ। ठीक है, एक काम करो, आज तुम खाना ना वरदान के कमरे में लगा दो। चलो, हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। हे राम जी, हमारे इस घर को टूटने मत देना। अरे वाह, मेरा फेवरेट खाना। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। अच्छा केतकी सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना दोगी? बनाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बनाती हूँ। अरे केतकी, आप किसके लिए खाना बन रहा है? माँ, वो वरदान जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं और वरदान जी ने हमें खाना बनाने के लिए बोला है, तो बस उन्हीं के लिए पूरियाँ और खीर बना रहे हैं। वाह, तो खाने का जादू चल ही गया। जब पति का गुस्सा इतना जल्दी ठंडा हो जाए, यानी वो अपनी पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है। अच्छा, मैं कुछ मदद कर दूँ? नहीं नहीं माँ, हम अकेले कर लेंगे, वरदान जी ने हमें बनाने के लिए बोला है। अच्छा जी, आपके वरदान जी ने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए कहा है? ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? मेरे सिवा कोई और देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लूं। इतना प्यार करते हैं? अभी तक पता नहीं चला।
ये अचानक कुत्ते क्यों भौंकने लगे? पेट भर के खाओ, खूब मिलेगा। आज मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। इस घर में छोटी बच्ची मिठी है, मैं नहीं। जब प्यार से पुचकार कर खाना खिलाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वरदान जी, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लीजिए, मैं खाना लगा दूं। गलती हमारी है, हमें आकाश के साथ नहीं जाना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक्स मिस यूपी केतकी जी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी, कोई गुनाह तो नहीं किया? और वैसे भी कहते हैं कि औरत अगर अपने पति के अलावा किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर जाती है तो वो दो हिस्सों में बट जाती है। तो चल हम भी बट जाते हैं। तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। या क्या बोल रहे हैं वरदान? क्या, क्यों और किस लिए, ये सब पूछने का हक तुम खो चुके हो। वरदान जी, प्लीज हमें कमरे से बाहर मत निकालिए। हमारी गलती है, हम मानते हैं। और आपको तो पता है, मीठी हमारे बिना नहीं सो पाएगी। वरदान जी, मम्मी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मिट्टी को चुपचाप सुलाओ और उसके बाद बिना आवाज किए इस कमरे से बाहर निकल जाना। लेकिन वरदान जी, बात खत्म। मम्मी, तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, कुछ
से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। लैंडिंग का फोन नहीं रात को मेरा सामान सीओपी बनने के बाद ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना चाहते हैं और अपने जैसी लाखों महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, बस ठान लो और करके दिखाओ। हेलो, इतनी रात को फोन? वरदान तिवारी तुम्हारे सपनों में भी आने लगे हैं क्या? मम्मी, तो तुम ऐसे से कर रही थी, चल क्या रहा है सब? अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी चल रही है। इधर आई। अरे ये देखिए, ये है हमारे सपनों की लिस्ट। सबसे पहले हमें बनना है मिस इंडिया, फिर उसके बाद हमें पापा को बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर दिलाना है, उसके अलावा हमें भाभी के लिए घर का सारा सामान लाना है। और मेरे लिए? आपके लिए ये है ना, आपके लिए बहुत अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारे सपनों के लिस्ट की आखिरी पॉइंट है कि हम अपने परिवार को विदेश यात्रा पर ले जाएंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा मत उड़ो भैया। अगर उड़ना नहीं होता तो हम अपने पंख क्यों फैलाते? खैर ये सब छोड़िए, आप ना ये बताइए कि लग रहा है ना बिल्कुल सेम सेम। Same to same. बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा, मम्मा, रानी बार बार रंभा क्यों रही है? मम्मा, क्या हुआ रानी, तुम इतना क्यों रंभा रही हो? Thank you.
मिठी छत पर कैसे पहुंच गई? मिठी! मम्मा! मिठी भाई रुको, मम्मा आ रही है। जान मेरा बच्चा, तुम्हें लगी थी नहीं? बेटा, तो चोट तो नहीं आई, ठीक है ना? How careless! भाभी, देखिए आप रोना बंद करिए। मीठी ठीक है, घबराइए नहीं है। धन्यवाद राम जी, आपने रानी के रूप में मेरी बच्ची की जान बचा ली। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दोनों के रहते आखिर मिठी छत पे कैसे गई? उसमें वरदान की क्या गलती है? वो तो बेचारा काम से थका आ रहा आता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना। जब बच्ची छत पे गई तो माँ कहा थी, भगवान ना करे आज मिट्टी को कुछ हो जाता तो। सुषमा, मम्मा मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? आप रूम में क्यों नहीं सोई? अगर केत की अपने कमरे में नहीं थी तो कहाँ थी? कौन मेरा फोन होगा? अब मम्मा आ गई है ना? कुछ नहीं होगा, डरो मत। एक ही बच्ची है हमारी, इतनी भी क्या नींद थी तुम्हारी कि बच्ची छत पे चली गई तुम्हें पता ही नहीं चला? रोज एक गलती केत की, और तुम्हारी इसी गलती की सजा हमारी बच्ची भुगत रही है। बस करो तुम लोग, रात बहुत हो गई है, चलो चलो चलकर सो जाओ। चलो बेटा केत की, मीठी बहुत डर गई है, इसे कमरे में लेके जाके सुला दो। वरदान, क्या तुम्हारे और केतकी के बीच में कुछ हुआ था? नहीं मतलब, इतनी रात को केतकी अपने कमरे में नहीं थी इसलिए। तुम अभी भी केतकी से वो अस्पताल वाली बात को लेके नाराज हो क्या? नहीं माँ, वो देखो बेटा, गलतियां तो हमेशा इंसान से ही होती है ना, केतकी से भी हो जाती होंगी, पर मेरा बेटा तो समझदार है ना, तो बड़ा दिल रख के माफ कर दिया करो उसे। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है केतकी पे
तो ये याद कर लिया करो कि तुम उसे कितना प्यार करते थे। याद है ना तुम्हें उससे शादी करने के लिए तुम कैसे सिद्ध बैठ गए थे। एक और बात कहना चाहती हूँ बेटा, माँ बाप के झगड़े में हमेशा बच्चे पिस जाते हैं। इस दर्द का एहसास तुम्हें है, ये दर्द बेटी को मत देना। आज जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे रानी। तुमने हमारी बेटी, हमारी मिट्टी की जान बचाई। आज स्पष्ट हो गया कि ये पूरी दुनिया तुम्हें गऊ मां क्यों कहती। धन्यवाद रानी, धन्यवाद। आज वरदान जी ने हमें फिर से डांट दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बच्ची को जरा सी भी खरोच नहीं आई। जो चोट लगनी थी हमारे दिल को लगी है, हमारी बच्ची को नहीं। गलती हमारी है हमेशा की तरह। अगर हम वरदान जी को गुस्सा नहीं दिलाते तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन तुम राम जी से प्रार्थना करना, वरदान जी हमें माफ कर दे। अरे क्या बात है, हमारी ननंदिया आलू के पराठे बना रही है। अरे भाभी आप क्या कब आए? हम आते नहीं, हम प्रकट होते हैं। वैसे बताया तुम्हारे भैया ने हमें कि कल यहाँ पर क्या हुआ था, तो हमने सोचा दादी से भी मिल लें और तुमसे भी। वैसे किस्मत बहुत बुलंद है तुम्हारी। तुम्हारी भाभी इसीलिए तो मैं समझा रहे हैं। कुटिया में आंसू बहाने से अच्छा है एसी के नीचे बैठकर आंसू बहाओ। अरे दिल तो जलता ही है, अपने शरीर को क्यों जलाना। और वरदान जी जो कहते हैं बस वो करो, उन्हें नाराज मत करो, क्योंकि पति खुश तो सब खुश, समझी। अरे भाभी की भाभी, देखा कितनी समझदार है ये, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह गई। सीखो जरा इनसे कुछ। वैसे भी आजकल गलतियां बहुत कर रही हो तुम। अरे सुषमा जी कैसी हैं आप? शीतल तुम ही शादी के लड्डू खाओ, वैसे हमें बहुत सारे काम करने हैं और मिठाइयां भी बांटनी है। इतनी सारी मिठाइयां, इमरती केतकी के भैया को इमरती बड़ी पसंद है। वैसे ये इमरती खास लोगों के लिए है, पर तुम भी तो खास ही हो। तुम ये लो। चले दादी से मिलने। जी हेलो एवरीवन, नाश्ता नहीं लगा अभी तक? मैंने कहा था ना मुझे जल्दी निकलना है। वो वरदान जी नाश्ता तैयार है, आप बैठिए हम लेकर आते हैं। अरे पर देर हो रही तो अब तक लग जाना चाहिए था ना। वो आपको गरम पराठे खाने की आदत है और ठंडे हो जाते तो। अच्छा जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, जल्दी चलो तैयार हो जाओ। बेटा जी बेटा ये लो रसीद, रूबी की शादी के गहने लाने हैं ना।
और मैं क्या कह रही थी कि साथ में केतकी को भी ले जाओ ना, गहने दिलवा के वो घर आ जाएगी और तुम ऑफिस चला जाना। नहीं माँ, केतकी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। बेटा मैं क्या कह रही थी ना, एक सेकंड कॉल आ रहा। हाँ प्रकाश, बस मैं दो मिनट में निकल रहा हूँ, निकल गया ऐसे। बेटा औरतों के गहने के बारे में तुम्हें क्या पता, केक के साथ चलेगी तो पसंद भी कर लेगी। अच्छा मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। केक की जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ। अरे वहाँ तैयार होने का टाइम नहीं मेरे पास, हम बस ये आटे वाले हाथ धुल कर आते हैं। जल्दी जाओ। क्या हुआ? वो चले गए। छोड़ो कोई बात नहीं, अब काम की व्यस्तता होगी ना। लो वरदान अपना पर्स और रसीद तो यहीं भूल गया। लगता है आज उसके साथ ना तुम्हारी किस्मत पे लिखा है। ये पर्स और रसीद उसे दे आओ। जाओ उसके पीछे भागो। सर ये सारे ज्वेलरी सेट्स आपके लिए। एक्चुअली साधना जी ने फोन किया था कि आप आने वाले, तो हमने ये सब निकाल दिया है। एंड सर ये है वो स्पेशल हार। इश ब्यूटीफुल, खूब सुंदर ना सोना। सोना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट लव दिस नेकलेस, मुझे यही चाहिए। मैम ये आपके लिए ही है, साधना जी ने खास ये डिजाइन आपके लिए ही पसंद किए। सुनिए, आपके पास ही सेम डिजाइन का दूसरा पीस है? I'm so sorry sir. Actually, हम ज्वेलरी कस्टमर के ऑर्डर पे ही बनाते हैं। एक डिजाइन में एक ही पीस है। Excuse me sir. मैं आपकी बिल्स चेक करके आती हूँ। वरदान ये कितना सुंदर लग रहा है ना, उस पर कितना अच्छा लगेगा ना। वाओ कितना कितना अमेजिंग लग रहा है ना, है ना। पर ये मेरा नहीं हो सकता। वो हम वरदान जी को ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ पर है मैम। वरदान जी अच्छा तो लग रहा है। हम वरदान जी को ढूंढ रहे हैं। कालिंदी तुम जल्दी से यहाँ निकलो, यहाँ। क्या? क्यों? निकलो निकलो, बताता हूँ तुम्हें। निकलो यहाँ से।
वरदान जी, वो आप अपना वॉलेट कार्ड और ये रिसीट भूल गए थे घर पर। और तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं ये सब नहीं लाऊंगा तो ये मुझे ज्वेलरी नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं वरदान जी, ऐसा नहीं है, वो माँ ने हमें कहा था। तो सर आपके बिल्स रेडी है, आप पेमेंट कैसे करेंगे, बाय कैश और बाय कार्ड? सर मैम चली गई क्या? अच्छा वो जो कस्टमर यहाँ पे खड़ी थी, हाँ वो तो चली गई। मैम आप कौन? जी हम केतकी तिवारी, इनकी वाइफ। लेकिन मैम आप इनकी वाइफ कैसे? नहीं मेरा मतलब है इनकी वाइफ तो यही है। आपको कोई प्रॉब्लम है? आप प्लीज ये पैक करा दीजिए और बिल जल्दी से करवा दीजिए, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस। सॉरी सर। थैंक यू। और तुम, जब तुम्हें पता है कि पूरा शहर मुझे जानता है, तो जब मुझसे मिलने के लिए आ रही थी तो ढंग की साड़ी नहीं पहन के आ सकती थी? और मुंह पे ये आटा लगा है, वो सेल्स गर्ल समझ रहे हो कि तुम मेरी नौकरानी हो? वरदान जी हमें माफ कर दीजिए, वो जल्दबाजी के कारण हमें याद नहीं रहा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे हनुमानगढ़ी वाली तुम आ गई? जी। अरे अरे दादी माँ, सासू माँ, बीवी माँ, अरे सुशी, अरे सब लोग आओ। ले आई बेटा, ला दो ये रूबी का। पसंद आया? हाँ बहुत। या अच्छा ना दी? हमारे लिए भी बहुत खूबसूरत है, देखो बहुत अच्छा दी। मेरा वाला सबसे अच्छा है ना, नहीं हुआ तो बदल लेंगे। ये वाला किसका है? इसी का होगा, यही तो बाकी है, देखिए जरा। हाँ हार का क्या? इसमें तो हार है ही नहीं। कहाँ गया हार? माँ हमें नहीं पता हार था, हमने तो देखा भी नहीं था। वरदान को पूछो, हम वरदान जी को फोन करते, शायद दुकान में रह गया होगा। What nonsense केतकी, ऐसे क्यों फोन किया? अभी एक्सीडेंट हो जाता मेरा, मारना चाहती हूँ मुझे? नहीं नहीं वरदान जी, वो यहाँ पर दिक्कत हो गई है, हमारा हार नहीं मिल रहा है। हार नहीं मिल रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने तो पैक किए थे उसने सारे बॉक्सेस, तुमने चेक किए थे ना? केतकी तुमने ज्वेलरी चेक की थी या नहीं? हमें लगा कि
आपने चेक किया होगा तो हमारे भरोसे आंख होके भी अंधी हो जाओगी क्या? एक बार चेक नहीं करना चाहिए था? गलती हो गई मुझसे, तुम्हें ज्वेलरी सौंपनी नहीं चाहिए थी। डिस्गस्टिंग। माँ हमें नहीं पता कहाँ चला गया यार, हमने अपने बाद चेक भी नहीं किया था। पर क्यों नहीं किया बेटा? माँ वो हमने सोचा कि उन्हें बुरा ना लगे कि उनके चेक किए हुए गहने हम दोबारा चेक कर रहे हैं। तो फिर हार कहाँ गया? खूब सुंदर करंदी, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। ये हाथ मिसेस केट की, अभी तो सिर्फ तुम्हारा हार चुरा है, बहुत जल्द तुम्हारे पति को भी चुरा लूंगी मैं। कैसा लग रहा है ये? तो सुंदर ना खूब खराब। माँ बुरा लग रहा है ये देखकर कि तुम वरदान बाबू से इतना महंगा तोहफा ले रही हो। वरदान विवाहित हो, शादीशुदा है वो, पर एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़ने वाली औरत को समाज क्या कहता है इटा तुम्हें निश्चय जानो। बाबा आपने आज तक कभी मुझे इतना महंगा तोहफा ला कर दिया है? नहीं ना, तो ये जो मुफ्त की एडवाइस है ना, ये भी अपने पास रखो। मुझे चो लगता है वरदान आ गया। पापा मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उसके सामने इस हार के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है? अरे वरदान आओ ना प्लीज। नमस्कार वरदान बाबू। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या होना चाहिए जी? आप कैसे? सब भालो। वो बैठो। कालनदीप, I'm sorry, मैंने उस समय तुम्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया। बाकी वहां कीत की आ गई थी। अरे सुना, अब पति पत्नी और वो वाला ट्रायंगल है तो वो तो हो गई, पर हम ऐसे छिप छिप के कब तक मिलते रहेंगे? बैठो मैं आती हूँ। आप? हाँ हम पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, वही वसूलने आए हैं। आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, ठीक है? अभी मेरा एल्बम आने ही वाला है, जैसे ही एल्बम आएगा ना आपके पूरे पैसे चुका दूंगी मैं। कालिंदी हाँ एक मिनट। क्या हुआ, किस बात का शोर है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ? हमने ना पिछले 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया है। बाहर वो हमारा ब्रोकर है, उसी ने हमें ये घर दिलाया था और वो कह रहा है कि अगर हमने रेंट नहीं दिया तो वो हमें धक्के मार के घर से निकाल देंगे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बोलती मैं? डोंट वरी, मैं हूं ना। अरे किराया दे दो मेरे भाई। किराया देखो पहले, और सिर्फ पिछले 3 महीने का नहीं है, अगले 3 महीने का भी है। तो अपनी ये शक्ल दिखा मत देना आने वाले 3 महीने में, ठीक है? और अभी ना मैं थोड़ी बिजी हूँ अपनी मंगेतर के साथ, तो डिस्टर्ब मत करो मुझे। चो अच्छा धन्यवाद। आशुद्दीन आकाश साहब, आपका जो किराएदार हमेशा किराया देने में लेट करता था, उसके मंगेतर ने आगे के 3 महीनों का भी एडवांस किराया दे दिया है। ये देखिए क्या बात है यार। अच्छा मैं चलता हूँ। जय सियाराम। जय सियाराम। जय सियाराम। वरदान तिवारी, ये कैसे हो सकता है? ये चेक तो उस लड़की के मंगेतर ने दिया है ना, तो फिर इस पर केतकी के हस्बैंड वरदान का नाम कैसे हो सकता है?
सारी हल्दी की तैयारियां हो गई? लगभग सब हो ही गया। अरे लगभग क्या, अब तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, लड़के वाले आते होंगे। भैया दो मिनट दीजिए, सब हो जाएगा, अभी हो जाएगा, जल्दी करवा। भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ा लड़के वाले आ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये चेक तो उस लड़की के मंगेतर ने दिया है ना, इस पर हमारी केतकी के हस्बैंड वरदान का नाम कैसे है? आकाश वो देखो वरदान। अंदर आइए। आओ बेटा। चलिए। आप लोगों ने गॉगल्स नहीं पहने? रुके रुके, पहनते हैं। केकी, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। नैना, हम बाद में बात करते हैं। केकी तू चल, चल। नैना, केकी मुझे तुझे कुछ बताना है। नैना, हमें थोड़ा सा काम है, हम बाद में बात की। मेरी बात सुन, तुझे पता है तेरा पति वरदान उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। रूबी की हल्दी शुरू हो रही है। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। वैसे आई मस्ट से कि काफी यूनिक हल्दी सेटअप किया तुम्हारी फैमिली ने, गुड आइडिया। तेरा पति वरदान उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। कारी बदरी से झांके किरण। तेरा पति वरदान उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अनोखा बंधन। ये नैना नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई थी? हमारा मन नहीं मानता, ये नैना भी नहीं, ये कुछ भी बोलती। ये ऐसा नहीं कर सकते। वरदान जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें धोखा नहीं दे सकते। जरूर नैना को कोई गलत फहमी हुई है। तुम हो इनकी वाइफ, गाड़ी तुम चला रही थी और तुमने मेरी कार को टक्कर मारी। लेकिन मैम आप इनकी वाइफ कैसे? मेरा मतलब है इनकी वाइफ तो यही है। आपको कोई प्रॉब्लम?
पति वरदान जी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वरदान जी किसी और के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें अपने वरदान पे पूरा भरोसा है, वो केतकी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सुनिए सुनिए सुनिए, अब हम शुरू करने वाले हैं हल्दी की रस्म। तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाएंगी हमारी प्यारी दादी, और उसके बाद होगी हम सब की बारी। तो आप सब तैयार हैं? आज सजया है वे जोड़े एक दूसरे के रंग में रंग जाएंगे। एक दूसरे को खूब सारी हल्दी लगाओ। तेरा पति वरदान, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हल्दी की होली तुम भी खेलती शारदा हो, अगर तेरा पति तुझे छोड़कर नहीं जाता तो तो राम जी की कृपा है कि हमारे वरदान लल्ला ने सब कुछ संभाल लिया। देख कैसे धूम मचाई अपनी बहन के हल्दी पे। काट तो केतकी के लिए होती है, बेटा चला गया पर पोता नहीं जाना चाहिए। समझ में आई हमारी बात? याद है हे राम जी, शादी के 6 साल बाद
हमारी अपनी दोस्त हमसे कह रही कि वरदान जी किसी और के साथ। क्या नैनो को धोखा हुआ या फिर हमारे साथ धोखा हो रहा है? नहीं नहीं, वरदान जी पर आपको पूरा विश्वास है और वो हमारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकते। सच कहा तुमने वरदान, तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। अरे माँ, आपका भाई, हम बस आने वाले थे आपके पास। हम सिर्फ आंसू छिपा रहे हो केतकी, जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। हमने नैना की बातें सुन ली थी, वरदान पे या उसके प्यार पे भरोसा नहीं है? नहीं माँ, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन क्या बेटा? बाहर वालों की बातों पे मत आओ। एक काम करते हैं, हम वरदान से ही पूछ लेते हैं। हम अभी उसे बुला के लाते हैं। नहीं माँ, वरदान जी को मत बुलाइए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। माँ बेटा, अगर मन में कोई शक आ जाए तो उसे हक से दूर कर देना चाहिए, ताकि विश्वास की डोर ना टूटे, ताकि विश्वास की डोर ना टूटे, ताकि विश्वास की डोर ना टूटे। उसे बुला के लाते हैं। वरदान, चलो हमारे साथ। बाहर रूबी की हल्दी चल रही है, आप मुझे यहाँ क्यों लाई? और केतकी, ये क्या नया मेलोड्रामा है? वरदान, हम मंदिर के सामने खड़े हैं बेटा, इसलिए मेरे सीधे सीधे सवाल का सीधा जवाब देना। कौन सा सवाल माँ? क्या तुम्हारी जिंदगी में केतकी के अलावा किसी और के साथ कोई रिश्ता है? क्या तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा है? माँ को कैसे पता चला? क्या नैना ने बताया कि तुम्हारा किसी और के साथ भी रिश्ता है? वरदान, कह दो बेटा, कह दो ये सब झूठ है, कह दो केतकी से कि तुम उसे कोई धोखा नहीं दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में केतकी के अलावा दूसरी कोई औरत नहीं है। तुमने मेरी परवरिश पे कोई कलंक नहीं लगाया। जवाब दो वरदान, तुम्हें मेरी कसम। सॉरी माँ, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता।
गलती से मुझ पर विश्वास है तो है, और नहीं है तो नहीं है। पता जी वो मैं कल ज्वेलरी शॉप में गया और वहां से अपने ऑफिस गया, और सच सिर्फ यही। मैं जानती थी वरदान, मैं जानती थी कि देखा तुम्हारा विश्वास जीत के वरदान तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है, तुम्हारा विश्वास जीत गया। इसीलिए मैं कहता था हम दोनों से दूर रहो, वरना वह हम दोनों को दूर कर देंगे। वरदान जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है जो हमने आप पर शक किया, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे पैरों में नहीं। और हाँ, मुझे गुस्सा आ जाता है कई बार तुम पर, लेकिन इंसान गुस्सा उसी पर तो करता है ना जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वरदान आज तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन आगे से बहुत ध्यान रखना होगा मुझे। चल, तुम दोनों राम जी का आशीर्वाद। चलो राम जी हमेशा तुम दोनों को एक रखे। चलो सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो केतकी, आई मां। वरदान, यही सही मौका है मां और केतकी के मन में जो शक आया है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का। भाभी, नहीं, आज शर्माना नहीं चलेगा। भैया ने आपको डांस के लिए बुलाया ना, आज तो करना पड़ेगा। आइए जाओ, शर्मा क्यों रही हूं? देखो तो जरा, महारानी कैसे ठुमक ठुमक कर डांस कर रही है। इसकी खुशी में थोड़ा सा खलल डालना तो बनता है सुषमा। आकाश,
मैंने केतकी को वरदान का इतना बड़ा सच बताया और ये इसके साथ डांस कर रही है, इतनी खुश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो ये चेक देखेगी ना नैना, तब उसे तुम्हारी बात पे विश्वास होगा। बेटा गौरव, आप लोगों की हल्दी तो हो गई, अब हमारी रीत की हल्दी बाकी है। हमारे यहाँ होने वाले दूल्हे को दुल्हन की भाभी अपने हाथ से पीसी हुई हल्दी लगाती है। बेटा केतकी, जाओ हल्दी ले आओ। जी। तुम शगुन की हल्दी नहीं, अपनी ही इज्जत को काटने वाली कटार लेने जा रही हो। माने दूल्हे को लगाने के लिए केतकी से जो हल्दी पिसवाई थी वो यही गई होनी चाहिए। अब देखना केतकी, इस हल्दी का कमाल।